अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। देखो भाई, सैविज का गाना आ गया और ये डिस्ट्रैक्ट है चरके के लिए। सैविज क्यों डिस कर रहा है चरके को? पहले तो चलो समझ आई थी कि न्यू ज्वाइन हो रहा था यंगस्टर्स फैन और यू नो विजुअल हमें नजर आने शुरू हो गया था, उससे पहले ही था बट हमें नजर आने शुरू हो गया था कि चैन को एक तरफ से सारे लोगों ने डिस करना शुरू कर दिया था। अब मुझे समझ नहीं आई, और अगर डिस किया है तो नबील अकबर को क्यों नहीं किया, वो भी साथ कर देता, क्या पता इसके अंदर किया हो, मैं गलत हूँ। स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं कि सीधे मौत मुंह पे ना मारा था। सैविज क्या लेकर आया चैन के लिए बाबा जी? यस कमांडो, ये SAVAGE सैफ फिलोसफी टू साइड कर, लेट्स हैव अ हार्ट टू हार्ट। क्या तूने नहीं पी चर्स या देखी नहीं शराब? तेरे लग नहीं रहे थे मुंह क्योंकि डीलों पे अब लाक। तूने देखा नहीं है ग्रीन बावे तेरी नहीं औकात। तेरे लग नहीं रहे मुंह क्योंकि अब डीलों में है लाक। पैसे आ रहे हैं तो मैं डिस नहीं करूंगा क्योंकि डीलों पे अब लाख। तूने देखा नहीं है ग्रीन बावे तेरी नहीं औकात। पीते कैली वाली वीड चलते एले वाली चाल। ऐसे वीएजी हुड में तेरे जाता मेरा माल। मैं उस शहर से जहां मरते माँ के रोज है लाल। और तू चूतिया का चूतिया हो गए चार साल। बस बढ़ गए तेरे बाल पर आई नहीं अकल। लंड पे चढ़े तू और तेरा चूतिया हम शक्ल। तू बस पर आई नहीं अकल। लंड पे चढ़े तू और तेरा चूतिया हम शक्ल। तू बस वाना बी है NF, तू है उसकी एक नकल। पूछ नहीं रहे तुझे ब्रांड्स, तू हाथ रहा मसल। तुझे फक वो क्यों दे वो। ओके सो चैन के कहता है कि मेरे पास ब्रांड बहुत ज्यादा आते हैं और इसलिए मैं, लेकिन मैं स्टिल मैं अपने काम से लॉयल हूं, सर्कल मेरा टाइट है। और ये बोल रहा है कि एक अलग प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट बनता है उसके अंदर के भाई तेरे डील ही नहीं मिल रही थी इसलिए तू बातें कर रहा है। तू और तेरा चूतिया हम शक्ल। तू बस वाना बी है NF, तू है उसकी एक नकल। पूछ नहीं रहे तुझे ब्रांड्स, तू हाथ रहा मसल। तुझे फक वो क्यों दे वो कर रहा ना से डील। तेरी जलेगी गांड जब आएगा मास अपील। इट इज व्हाट इट इज चैन, आई नो इट्स हार्ड टू डील। और जब भाइयों पे आए बात तो तेरी मां चुदी। कौन ये डिस पका पका सैविज ने शायद खुद ना सोचा हो, ये तला अंजुम ने बोला होगा शायद से। आई डोंट नो भाई, मैं जानता थोड़ी, मैं सॉरी उनके बीच में रहता हूं बट हां हार तो आ रहा भाई, हार तो है भाई। इट इज चैन, आई नो इट्स हार्ड टू डील। और जब भाइयों पे आए बात तो तेरी मां चुदी। कौन सा लिरिसिज्म कौन सी कर रहे रब से नाफरमानी। जो देखा वो है लिखा, हम नहीं मुनाफिक जानी। रैपर तू बरसाती फ्लो बहता जैसे पानी। हनी सिंह के गाने तुझे भी तो याद थे जबानी। ब्लू आईज ब्राउन रंग तू कर रहा है। ब्रो अगर इसको ये कैसे पता, लाइक सैविज उस टाइम तो इस नादिर के साथ कोई इन भी नहीं था, लेकिन अब उसको अगर ये पीछे से भाई आया अंजुम का मुनाफिक जानी। रैपर तू बरसाती फ्लो बहता जैसे पानी। हनी सिंह के गाने तुझे भी तो याद थे जबानी। ब्लू आईज ब्राउन रंग तू कर रहा है डिनाई। क्यों कर नहीं सके फेस ऑफ, हुआ मुझे आई फ्लू। कटर हिप हॉप फैन से पूछ बेटे काए तू। जब इतना मसला इंडस्ट्री से तो क्यों गाए तू? क्यों कर रहा प्रीच तू नहीं है ना ब्रो? देखो यार मैं ना कोई, मुझे चैन के, मैं कहा ना मैं चैन के को सुनता भी नहीं, ठीक है ना, नहीं सुनता। और सुन लू भी क्या यार, वो गाने नहीं डालता। बट ऐसा नहीं है कि तू कह सकता है कोई बंदा कि तू आया है क्यों। इट्स जस्ट ब्रो, उसका एक अपना सर्कल है और किसी की आवाज बंद तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी वो नहीं कर पा रहा जितने भी आर्टिस्ट हैं तो वो क्यों ना अपना रखे। तो क्यों गाए तू? क्यों कर रहा प्रीच तू? नहीं है गॉड एमसी, फॉरेन से लेते अब हम फॉरेन फी। कर नहीं सके डिस, भूल गया क्या क्वारंटीन? म्यूजिक हराम तो किधर जारी तेरी रॉयल्टी फकिंग हिप। ब्रो ये जो चीजें होती है ना, एंड 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 ऑफ द डे वो ना चैन के को यही बोलते हैं। फिर चैन के गांधी का कोई वीडियो लगा देता है और फिर वो लोग देखते हैं। इस पर बहुत बड़ी डिबेट बन जाती है, इसलिए मैं इस पर घुसता ही नहीं हूँ। बस ठीक है भाई, जो हो रहा है ठीक है, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। या क्या क्वारंटीन? म्यूजिक हराम तो किधर जारी तेरी रॉयल्टी फकिंग हिपोक्रेट। याद आ गई तुझे अब बीफ की? डॉलर तेरे एडसेंस पे कदर कर इस बीक की। मिलिट्री माइंडसेट लॉन्ग रेंज G3 सबको पता कौन पुशटी और कौन है PDD। मुझे गानों में गाली पसंद नहीं,
मुझे गानों में नशे पसंद नहीं, लेना लेबल से कोई भी रकम नहीं। लाइव मेरे को ना इससे ज्यादा वो याद आ गया, तेरे गानों में कोई हसानी, मुझे रैप भी याद आ गया भाई। और कौन है पीडीडी? मुझे गानों में गाली पसंद नहीं, मुझे गानों में नशे पसंद नहीं, लेना लेबल से कोई भी रकम नहीं, मुझे गानों में लड़की पसंद नहीं। लाइक यार ये मैं सही बात बोलूंगा, मैं इसके जो पॉइंट रखे जा रहे हैं लाइक यू नो मजा लिया जा रहा है पैरोडी करके, लेकिन एक चीज पे मुझे चंकी से इख्तलाफ है कि एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत दफा भी बोल बैठा हूँ। देखो यार हर आर्टिस्ट ना, हर इंसान है, आर्टिस्ट छोड़ना यार, हर इंसान को ना कुछ जगहों पे ना बहुत जरूरी होता है कि वो वही चीज करे। उसका अब ये नहीं होता कि मैं कोई और एम रखूं कि मैं आर्टिस्ट भी हूं, मेरा सारा पैशन आर्टिस्ट का, साथ में कुछ और भी कर रहा हूं। ये जब होता है जब स्ट्रगलिंग हो रही होती है, बंदे का मेन फोकस यही होता है कि जो चीज आ रही है उससे मैं पैसा जनरेट करूं, उससे मैं कमाऊं, ठीक है ना। तो ये चीज मैं वाकई में चंके की नहीं मानता कि भाई अब फिर आर्टिस्ट ही क्यों बनना मैंने। देखो भाई जिंदगी को हर बंदा आसान करने की कोशिश में है, मेहनत करने वाला काम नहीं है, यहाँ का मेहनत है भाई, ठीक है ना, यहाँ ये मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं है। तो आर्टिस्ट करते ही क्यों अपने आप को रीच क्यों देता है? क्योंकि भाई मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर आए, मेरे चढ़ जाए, मेरे लाइन पे चढ़ जाए किस्मत। बस कोई भी रकम नहीं, मुझे गानों में लड़की पसंद नहीं। मत खेल औरत कार्ड, तू खुद ही है मिसोजिनिस्ट, यूनाइटेड वी स्टैंड, तेरी चलती नहीं है पॉलिटिक्स। डिस करके तू ले रहा हमसे डॉलर टिप्स, तू रो रहा जैसे एक्स, रैप कर रहा जैसे कॉलेज किड। नादनी जुल्फिकार पर उसके हैं दो मुंह, ये रिलीजन के नाम पे हमसे व्यूज ले रहा चोमू। ओए बीट बैंड जो ज़ैन मार चोटी में। मत खेल औरत कार्ड, तू खुद ही है मिसोजिनिस्ट, यूनाइटेड वी स्टैंड, तेरी चलती नहीं है पॉलिटिक्स। डिस करके तू ले रहा हमसे डॉलर टिप्स, तू रो रहा जैसे एक्स, रैप कर रहा जैसे कॉलेज किड। नादनी जुल्फिकार पर उसके हैं दो मुंह, ये रिलीजन के नाम पे हमसे व्यूज ले रहा चोमू। तू बड़ा जे ना तू जुल्फिकार उसके दो है भाई, यार भाई तू क्या, ओए होए होए मैं, ओए होए होए जुल्फकार अली भुट्टो मेरे ज़हन में, ये कौन था? आया वो था भाई मेरे ज़हन में, कौन है यार? ओह हरामी भाई, लाइक छोड़ा अभी रहा सोच तू, शाओलिन का स्टाइल बीटों पे कुंग फू, निशान ऐसे छोड़े तू कर नहीं पाएगा अंडू। मेक इट टिल यू मेक इट अबे चाइना के मंटू, तू इतना सही तो तेरे घर वाले हैं तंग क्यों, करे फेस बने गोस्ट। यार ये ना इस तरह की एक वीडियो आई थी, ये घर वाले तंग क्यों, चनके के भाई ने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले यार, आज से दो साल पहले या साल पहले नहीं, दो तीन साल पहले। वो बड़ा रुला हुआ था उस टाइम पे, अब तो लोगों को भूल भी गया होगा जो चनके को सुनने वाले हैं और जो उस वक्त हिप हॉप को सुन रहे थे। आज से तीन साल पहले या चार साल पहले तो कोई सुन भी नहीं रहा था। पता नहीं क्या उसके भाई ने बोला था कि वो बड़ा बदतमीज है, ये है नादिर, थोड़ा पागल है ये फलाना। उसके बाद एक गाना भी आया था जिसमें वो अपने भाई के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, अबसे मारा या कुछ कर। ना सही तो तेरे घर वाले हैं तंग क्यों, करे फेस बने गोस्ट। I got the method man, lyrical assassination versus सारे 10 on 10। तू बस अपना फैन जो है हमसे ऑफेंड, अगर बीफ चाहिए इधर तो घिस के आना पेन से। चीनी कम आजा ले ले तू भी दम, तीन चार है बाप तेरे उर्दू रैप करते रन। चीनी कम आजा ले ले तू भी दम, तीन चार है बाप तेरे उर्दू रैप करते रन। सीरियसली अगर तुम मुझसे पूछो कि गाना कैसा, तो बहुत टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट है। और जब स्पेशली जहाँ पे स्विच बीट होता है ना भाई, ये ज़ैन ने ना पहाड़ के हाथ में रख दिया। लिरिकली तो सैविज आप लोगों को पता है एक टाइट पेन रखता है भाई, ठीक है ना, वो ठीक है। बट हम एक चीज की बात करेंगे, देखो यार मैं कोई हूं नहीं कि मैं किसी पे इल्जाम लगाऊं, बट ये रैप है और रैप में ना ये चीजें होती हैं।
फिर यहाँ भी ये बात आती है कि 90% लोगों के सेनों में कहीं ना कहीं ये आएगा कि भाई तुम अगर चैनके को डिस कर रहे हो, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये तला अंजुम का पीछे से बोला गया हुआ है, क्योंकि ये बात तुमने खुद ही एक ट्रैक के अंदर बोली हुई थी कि मैं तेरी क्यों सुनूं, तू ना जे 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 ना वायस ना झोंके। तो कहीं ना कहीं हमारा, और इसमें कोई बुरी चीज नहीं, अगर किसी ये सुन के किया है या किसी की तरफ से किया है भाई, वेल एंड गुड है भाई। बट नबील को क्यों नहीं, मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहा था सच बोलूं तो। जब लोग कह रहे थे ना कि तला अंजुम ने उसको डिस किया और ये किया वो किया, तो नबील को नहीं जवाब दिया, नबील को क्यों नहीं भाई। अब इसके दो पॉइंट भी हो सकते हैं कि एक तो उन्होंने विश टू डाय जो भी गाना था वो गाना मेंटली तौर पे बनाया ही नहीं गया था, उड़ता तीन नबील अकबर ने लिया। सेकेंडली या तो वो फैमिली का मेंबर ही है स्टिल अभी वो मानते हैं इसलिए नहीं किया। तीसरा जो कि मुझे वर्स लग रहा है, शायद ये हो सकता है कि भाई वो टक्कर देगा सबको वो टक्कर देगा, समझ रहे हो, वो खड़ा हो जाएगा और सही तरह मजे लेगा, उसको हाई पोज आता मिल जाएगी। एक चीज यंगस्टर्स और जितने भी इनके ग्रुप है उनकी थोड़ी ऑकवर्ड चीज मुझे लग रही है, जो वो खुद अपने आप को दिखा रहे हैं कि अब हम कमाने शुरू हो गए तो हम उस लॉबी में नहीं बैठते, वो बड़ा ऑकवर्ड कर देता बंदे को, मतलब क्यों नहीं बैठते उस लॉबी के अंदर, ये कॉम्पिटिशन कम व्यूज देख कर होता है, ये साइकी मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन जो भी है जैसा भी है, फिर हम उसी वापस बैक टू द ट्रैक आते हैं, ट्रैक गान पा रहा है भाई, और जुल्फकार अली मेरी बात में जहन में कई यार कई 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 सुना सुना लगता है, तो वो सीन ना बड़ी टायर थी लिरिकली, वैसी वो जॉन विक है इस गेम के अंदर भाई। सो हाँ, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो पे, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नाराज होते हो तो मेरे लोड़े को ठंड पड़ती है क्या, नहीं सॉरी, तो भाई हम तो बोलेंगे भाई, क्यों बोलेंगे, क्योंकि यार मेरे को सराउंड जो लोग बोल रहे होते हैं मुझे वही नजर आता है, लेकिन लूप मटेरियल है इस गाने को, इतना ज्यादा सुनेंगे लोग जो इंजॉय करेंगे, और आप जो रैप को सुनते हैं, जो सैवेज को सुनते हैं, जो यंगस्टर्स को सुनते हैं उनको मजा आएगा, वो जो चैनके को सुनते हैं उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा। तो ये तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन क्या बोलूं भाई, यस कमांडो।